हाँ वो सब धर लेगा, देखिएगा ना। अरे बाबू झूलत रहा है, अरे मर्द लाल हो गया है। उतार देखिए वीडियो जो बना है। सबसे बड़ा था जी रेल हटा देता, बात खत्म, धीरे धीरे बढ़ते चला जा रहा है स्टेशन वाला। मेरे का चला यहाँ दौड़े को ना पर दिन को कई बार देखिए स्टेशन यहाँ पर होगा ना कोई आतंकवादी हम लोग को बनाना चाहते हैं, ये बताइए पहले। आप लोग से बोल रहे, मीडिया आप ही लोग से बोल रहे हैं। चार साल हम लोग को ट्रेनिंग जो होगा, जो भी मतलब जो भी होगा उसमें गन ट्रेनिंग है जो भी, हम उसके बाद हम आएंगे अपने घर पे तो हम लोग क्या करेंगे आतंकवादी के? कभी नहीं बिहार पुलिस पकड़ाएंगे, चोरी चलेगा, सब होगा, छिनारी होगा, महाचौत को बोलिए मतलब बहुत हो सकता है जब हम लोग ट्रेनिंग। अरे वो सब ले लेंगे बाबू। में भर्ती निकाले थे और 23 थी अप्रैल 2021 में मेडिकल फिट हुए थे, उस काल से हम लोग 31 मई को रिटर्न होना था दानापुर एआरओ में, हम लोग अभी तक पोस्टपोन हो रहा है। बोल रहा है कि कोरोना काल कोरोना काल कोरोना काल कोरोना काल, झूठों का अथी लेकर हम लोग का अथी एग्जाम नहीं हुआ और लास्ट में टीओडी लगा दिया गया और टीओडी हम लोग टीओडी के थ्रो नहीं दोगे थे। और हम लोग यही मांग है कि एग्जाम कैंसिल हो गया है, एग्जाम पुनः फिर से लिया जाए। जो लड़का मेडिकल फिजिकल फिट है और स्पेशली एयरफोर्स का जो लड़का मेरिट के लिए रुका था उसका मेरिट कैंसिल कर दिया गया। क्यों? उनका बाप का नौकरी है क्या? बाप उनका दोगा है? हम लोग खुद अपने मेहनत बल पे किए हैं, उनका बाप नौकरी नहीं देता है, हम नौकरी अपने लिए लेते हैं। और नौकरी नौकरी थोड़ी ना आर्मी, डिफेंस सेवा के लिए, बेरोजगारी के लिए हम नहीं लोग जाते हैं, हम लोग देश सेवा करने के लिए जाते हैं। वो चार साल के लिए कर रहे हैं, हम लोग भी एक मांग है, वो भी लोग पेंशन बंद कर दे और एक बार चुनाव लड़े, दो साल के लिए केवल, एक दो साल के लिए और एक बार से बेची नहीं बने, पेंशन बंद हो, सिक्योरिटी बंद हो, एक टू जेड प्लस सिक्योरिटी बंद हो, तब हम लोग मानेंगे, नहीं तो पूरा बिहार चलेगी, पूरा देश चलेगा। चार साल
हमारे हिसाब से गलत है, पूरा युवा के हिसाब से गलत है और एक्चुअली में गलत है। हम लोग सिर्फ 4 साल के लिए आर्मी में क्यों जाएं? हम लोग को तैयारी करने में लगभग 3 साल लगता है, तो हम 3 साल तैयारी करें उसके बाद सिर्फ 4 साल हम जॉब करें एनसीसी करने में, उसके बाद हम बाहर निकले तो कुछ नहीं है। उसके बाद हम बाहर निकले तो क्या सरकार बोल रही है कि हम आपको आईटी सेक्टर में देंगे, तो हम क्या करेंगे? गार्ड का जॉब करेंगे? गार्ड की नौकरी के लिए हम दौड़ रहे हैं? हम सरकार से चाहते हैं जो पहले का स्कीम था वो हो, और हमारी जो लड़का मेडिकल और फिजिकल फिट है पिछले 2 साल से, और उसका एग्जाम एक बैक आपके आकर कैंसिल कर दिए, 2 साल से आ रहा है पूरा वेबसाइट पे कि हम आज लेंगे कल लेंगे, आज लेंगे कल लेंगे, कोरोना के कारण हम पोस्टपोन कर रहे हैं, और आज आकर के आप बोल रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि पूरा परमानेंटली कैंसिल हो गया एग्जाम। काहे कैंसिल हो गया सर? हमने दौड़ा है, मेडिकल दिया है, पूरा हमारे पास प्रूफ है, फिर हम कैंसिल कैसे हो गया? पूरा हम युवा के सामने दौड़े हैं। मांग क्या है आपकी? कि एग्जाम को जल्दी से जल्दी लिया जाए और टीओडी वापस लिया जाए, क्योंकि जो पहले का स्कीम था वही हमारे लिए सबसे बेटर है। सर हम बहुत मेहनत करके आए हैं और यहाँ पे जब तक सरकार ये स्कीम वापस नहीं लेगी तब तक पूरा देश जलेगा, सरकार देखेगी।